जहन दोस्तों, आज के एक और एक्सप्रेस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके स्मार्टफोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिसका नाम है रेडिएशन लेवल, और इसको कई बार हम सार वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहां पर आप जितने भी लोग स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, उन सभी के लिए इस रेडिएशन लेवल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो रेडिएशन लेवल होता है, ये आपके मोबाइल फोन और आपकी हेल्थ दोनों पर इसका इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल फोन का रेडिएशन लेवल क्या है, उसकी सार वैल्यू क्या है और आपके लिए इसका ज्यादा होना क्यों खतरनाक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम जितने भी लोग स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, उन मोबाइल फोन्स के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, सिग्नल्स को भेजने और सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसी को हम कहते हैं रेडिएशन। दोस्तों आप जितने भी मोबाइल फोन यूज करेंगे, उन सभी के अंदर ये प्रोसेस होता ही होता है और ये रेडिएशन सबके फोन के अंदर होता है। दोस्तों अब बात आती है कि जो रेडिएशन होता है, अगर इसकी वैल्यू आपके मोबाइल में ज्यादा होती है, इसका जो रेट है वो ज्यादा होता है जितना डिसाइड किया गया है, तो यहां पर फिर आपके लिए खतरे की बात है। अब दोस्तों बात आती है कि डिसाइडेड क्या है, कितना रेडिएशन लेवल यहां पर होना सही है और कितना होना सही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए पहले से ही कुछ वैल्यू डिसाइडेड है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन जो भी आप यूज करते हैं, उनके अंदर 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा रेडिएशन लेवल सार वैल्यू यहां पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर इससे ज्यादा आपके अंदर मोबाइल फोन के अंदर रेडिएशन लेवल है, तो फिर यहां पर आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपको ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपके स्मार्टफोन का जो कह सकते हैं रेडिएशन लेवल है, जो सार वैल्यू है, वो 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा है। दोस्तों इसको अपने मोबाइल के अंदर चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप जहां भी कॉन्टेक्ट को आप कह सकते हैं कॉन्टेक्ट करते हैं किसी से, यहां पर अपना फोन नंबर लगाते हैं, वहां पर आपको जाना है आपके डायलर एप्लीकेशन के अंदर और वहां पर आपको टाइप करना है *#07#। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, आपके डिवाइस का जो रेडिएशन लेवल है, जो सार वैल्यू है, वो यहां पर आपके सामने निकल कर आ जाएगी। और यहां से आपको देखना है कि वो जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, वो 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा तो नहीं है। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब आप इसको चेक करेंगे, तो आपको दो वैल्यूज दिखाई देंगी, पहली होगी हेड की, दूसरी होगी बॉडी की। तो हेड और बॉडी का मतलब यह है कि जब आप अपने स्मार्टफोन को अपने कह सकते हैं जो हेड है आपका, उसके पास में लाकर यूज करते हैं, तो वहां पर रेडिएशन लेवल कितना होना चाहिए वो वहां पर लिखा हुआ है, वो डिसाइडेड है कि 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, वहां पर बॉडी लेवल पर आपके मोबाइल फोन का रेडिएशन लेवल कितना है, ये सारी चीजें वहां पर आपको दिखाई देती हैं। दोस्तों यहां पर अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन लेवल आपके मोबाइल के अंदर क्या होता है, इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं और इससे आपको क्या क्या नुकसान यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।